खौफ फैला देना नाम का, कोई पूछे तो कह देना लौट आया है भक्त महाकाल का। हेलो दोस्तों, कमाल का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल की चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल के व्यक्ति से रूबरू कराते रहते हैं। तो जैसा कि आज आपको ब्लॉग के माध्यम से ले चलते हैं गढ़वा ज़िला, और वहाँ हुनर मंदिर का कुछ रहस्य को मैं बताने का काम करूँगा। तो आप ब्लॉग पर बने रहें और आइए चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं मंदिर के समीप, एकदम नज़दीक। और ये हमारे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के माध्यम से आप समझ ही रहेंगे जो एकदम मंदिर के प्रांगण में है। तो आपको मैं यहाँ का रोटेट करके दृश्य को दिखाना चाहता हूँ कि कितना शानदार ये प्लेस है। और आप भी आएँ और ये घूमने लायक दृश्य है जो कि आप ये देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप हमें देख चुके हैं और हम अभी खुनहर मंदिर के ही प्रांगण में हैं, तो आइए मैं एक शख्सियत से रूबरू कराते हैं और जो कि यहाँ के महादेव भक्त के नाम से जाने जाते हैं, और इनका शुभ मैं नाम जानना चाहूँगा। भैया रुपेश सुबह मेरा नाम हुआ हर हर महादेव, दिन दोगुना रात चौगुना पद प्रतिष्ठा रहूँ उनके भगवान बनीले रखस, जहाँ रहूँ जिंदाबाद रहूँ, करोना से अकबकाए के डराए के नीचे जहाँ रहूँ सुरक्षित रहूँ, महादेव के नाम लेवत रहूँ। करोना राउ कुछ भी नीचे कर सकत, महादेव के नाम विलुप्त हो गए रहे, लोग शिवालय आई जाए छोड़ दिले रहन। साल में एक बार सिर्फ शिवरात्रि, अब सावन में पूजा किला से शिव ने मानस, शिव जितना भोला बढ़ेन उतना ही बड़ा शिव महाकाल भी बढ़ेन, जितना ज़्यादा गुस्सा लेन उतना जल्दी मान लेन। मात्र एक जल से भी मान लन, एक गजा धतुरा अकवन चाहे गो रुआ स्वामी के कांटा अर्पित कर दीहूँ, बाबा भोला हमार खुश हो जाइं। तो यह महादेव के भक्त से रुवन के निवेदन बा, शिवालय जाइल करूँ, हर हर महादेव के जयकारी करावत रहूँ, रुवन के करोना छू नहीं खेल सकत रह, घर परिवार बिल्कुल सुरक्षित रही। अब अगर नहीं सुरक्षित रही तो रुआ रुपेश दुबे से जरूर मिलब। खैर महादेव पर हमारा इतना भरोसा बा कि जो महादेव के याद करेला ओकर कुल खानदान में करोना कहीं एगो बाल बांका तक नहीं के कर सकत। सिर्फ मन में सुमिरन करत रही महादेव के देवल जिंदगी बा, महादेव के जाने ला पावे ला हमन के जिंदगी मिलल बा, आउ कुछ ला जिंदगी नहीं खे मिलल। बाल बच्चा परिवार के पीछे मत भागी, महादेव के पीछे भागी। तो मैं महादेव के पीछे भागी तो महादेव दुनिया के पीछे भागी हैं। जे भी हमी शांति के प्रतीक ही 25 साल उम्र हो गई, 20 साल के उम्र में ही देखो मुंडमाला हम धारण कैले रही, आज 5 साल से हो गई शायद कोई गढ़वा जिला में मुंडमाला धारण करत हुई, महादेव के द्वारा मिलल हमारा उपहार बा। अब एकरे जय जयकार बा, जहाँ रह रुवन जिंदाबाद रहूँ, करोना से अकबका के घर बड़ा के कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हर हर महादेव, काशी शंभू का विश्वनाथ गंगे नमः पार्वती पत्तर हर महादेव, ओम शांति शांति शांति, इतना कहल करूँ और कोई बाल बका नहीं करे। पर ही महादेव के भक्त से हाथ जोड़ी विनती बा, करोना से डराए के नीखे अकबकाए के नीखे, ये प्रेम से बोल दूँ, जय बाबा खुनरनाथ हर हर महादेव, शंभू काशी विश्वनाथ गंगे नमः पार्वती पत्तर हर महादेव, ओम शांति शांति। तो भैया को देखे कितना फ्रेंकली आप लोगों को बात किए और यहाँ के बारे में बताए, तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुनहर मंदिर से रिलेटेड और कुछ जानकारी दे। खुनहर मंदिर एक जल में बहता हुआ बाबा के पूर्व की ओर से जल आती है, तो हम बाबा का रुद्राभिषेक बिना इंसानों के द्वारा प्रतिदिन होता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो जितने महादेव भक्त हैं कभी भी ला के अजमा सकते हैं। 10 से 20 बाल्टी पानी रहता है, उसको बाहर फेंकिए, 5 मिनट भी नहीं बीतेगा माँ गंगा के आशीर्वाद से बाबा फिर से जल में हो जाएंगे। ये मेरा आपसे विश्वास है, बाबा का रहस्य है। बाबा ने हमारे प्रवेश भैया को बुलाया महादेव से जुड़ने के लिए, महादेव को जानने के लिए। कलयुग में महादेव का भक्त महादेव से कम नहीं होता, इस बात को मान लीजिए। आप अगर महादेव को जान रहे हैं, खैर हमारे आपकी जानने की ज़रूरत नहीं है, हम आप नहीं जानने पाएंगे इस जन्म में, द्वापर त्रेता कलयुग में हम आप क्या जानेंगे। जब द्वापर में श्री राम नहीं जानने पाए, त्रेता में भगवान विष्णु नहीं जानने पाए, भगवान कृष्ण नहीं जानने पाए, तो हम आप क्या जानिएगा। हमको आपको कलयुग में सिर्फ महादेव को जानना है और किसी को नहीं जानना है। हमारा जो जन्मदाता है उसका आप लोग चरण स्पर्श करिए कि हमको महादेव को सिर्फ जानने के लिए हमारा जन्म हुआ है। यही महादेव का भक्त आपसे गुहार कर रहा है। अगर आपसे पूजा पाठ भी न कर सके, आज अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई देव है, पूरे भारत में अगर आप किसी भी गांव में जाइए
तो कौन मिलेगा, मेरा महादेव मिलेगा। एक छोटा सा पत्थर में लोग जल चढ़ाते हैं और कहाँ मिलेगा। कोई पलंग, कोई चौकी नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई पर्दा नहीं, मेरा महादेव बाहर मिलेगा। चाहे वो गरीब का घर हो या फकीर का घर हो या राजा का घर हो या महाराजा का घर हो, वो थाना हो या नक्सली हो या अपराधी हो, हर जगह महादेव आपको विराजमान हो। महादेव से बड़ा कोई नहीं है। आप हर छोटा सा गांव में जाके देखिए, एक छोटा सा पत्थर में मेरे पार्थेश्वर महादेव मिलेंगे। उसी पे लोग उन्हीं को महादेव मान के जो जल ढार रहा है, उसको करोना छू तक नहीं रहा है। महादेव को आदमी भूल गए थे तो महादेव हमको नहीं भूल जाएगा। हर हर महादेव बोलिए, आपका बाल बांका अगर हो जाए तो फिर हर हर महादेव मत बोलिएगा। इतना मेरा भरोसा है महादेव के ऊपर। मेरा जन्म हो या आपका जन्म हो, हमको और आपको इस जन्म में कलयुग में हमको आपको महादेव के जानने के लिए जन्म हुआ है। तो मैं बता दूं आप समस्त महादेव भक्तों से निवेदन है, हर हर महादेव का सुबह शाम सोते समय जागते समय जहाँ भी रहे, हर हर महादेव करते रहे, आपका दिल गदगद हो जाएगा। उससे बड़ा इस जिंदगी में और शब्द नहीं है मेरे पास। सबसे बड़ा शब्द अगर इस धरती का है तो हर हर महादेव। कष्ट हर, पाप हर, दुख हर, काल हर, हर हर महादेव। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शादियाँ विवाह भी होते रहता है, तो आप यहाँ पे बहुत से शादी विवाह करने आते भी हैं। तो आप किसी भी माध्यम से शादी विवाह से या शिवरात्रि में दो दिवसीय मेला का आयोजन होता है, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर घूमने योग्य है, बहुत ही अच्छा है। गढ़वा जिला के अंतर्गत ये करीबन गढ़वा से आप आइएगा तो 11 किलोमीटर की दूरी पर है और डाल्टेनगंज से आइएगा तो ये 24 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इस स्थान पर आएँ और जैसा कि भैया ने बहुत हमारे जो कि इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं बाबा आए हुए हैं, तो संतोष तिवारी जी के नाम से विख्यात हैं इस क्षेत्र में, महादेव भक्त भी ये भी हैं। तो आप इस स्थान पर जरूर आएं, घूमें और देखें। और बाबा का पूर्व दिशा की ओर से माँ गंगा के द्वारा जलपान होता है। किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है महादेव को कि आप हमारा पूजा करें। आप यहाँ लाके 20 बाल्टी पानी उबीच के रखिए, 5 मिनट में फिर मेरे बाबा जलमग्न हो जाएंगे। यही खासियत है हमारे बाबा का। लेकिन मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोनर मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, बाहर से टूरिस्ट पधारे। यही उम्मीद से हम यह वीडियो बनाने का कोशिश किए हैं। तो आप ब्लॉग पर बने रहें और दिखाएंगे कुछ दृश्य को। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं रोटेट करके यहाँ का नज़ारा। तो आप ब्लॉग पर बने रहें, जाइए डायरेक्ट। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैरिज हॉल के रूप में है और यहाँ पे बाज बज रहा है। तो आप भी आए, यहाँ पे शादियाँ विवाह होते रहता है, आप भी आए कराएँ और अपना जीवन मंगलमय करें। तो आप ब्लॉग पर बने रहें और दिखाते हैं गर्भगृह। पहले जो था से दरवाज़ा पर था, लेकिन जब खुदाई किया गया उसके बाद जो है चौकट को यहाँ हम लोग ठीक कर दिया, स्थापित कर दिए। और ये पहले उस मंदिर का जो दरवाज़ा था वहाँ पर था। अब दरवाज़ा पहले गोलाकार था जो कि जगह के ओजह के कमी के चलते थोड़ा सा दीवार जो है तोड़ा गया है। ये प्राचीन दीवार है, वो प्राचीन दीवार है। कुछ हम लोग जो है अति कर प्रशासन से कह करके अपने गांव के इच्छा से जो है इतना रखे हैं कि पिछला पीढ़ी जो है देखा करे। एक जो नरेंद्राचार्य महात्मा आए थे वही जो है टुड़वा रहे थे, तो उनसे अनुरोध हम लोग किए कि इतना पूछे दीवार जो है जो है मंदिर का रखा जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा के माध्यम से ये चौकट का सील है, जो कि सील है जो कि टूटा हुआ है, मुगल के टाइम में जो है मंदिर जो है तोड़ा गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं गर्भगृह। गर्भगृह है ये देखिए, मंदिर के सगर से पत्थर है, पूरे पत्थर है। और के ज़माने में जो है बनना बहुत मुश्किल है, इसीलिए जो है हम लोग सब इसको जो है छुड़वाए हैं इतना कि कम से कम देखे। पीछे वाले पीढ़ी तो देख ले, आगे वाले पीढ़ी तो देख चुका, लेकिन पीछे आने वाले जो पीढ़ी है तो देखे और देखिए पूरा मंदिर के अंदर में पूरा ही पत्थर नज़र आ रहा है।
और आप तमाम दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर आवें और भोलेनाथ का दर्शन करें। ये प्राकृतिक चीज़ है, किसी का स्थापित किए हुए चीज़ नहीं है, ये अस्थापित है। यहाँ पे दान पेटी भी है, तो आप इस मंदिर के नाम पे आप कुछ दान दक्षिणा भी दान पेटी में डालें, क्योंकि इस दान से दिया हुआ मंदिर का रिपेयरिंग वगैरह गुंबज वगैरह के कार्य में भी पूरा किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मंदिर में अवश्य घूमने आए। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, वो भैया बोल रहे थे जो इस यहाँ पे शिवलिंग है, बरोबर रहती बारह महीना माँ गंगा रहती है। अगर इस पानी को बचने के बाद वो शिवलिंग दिखता है तो आप ब्लॉग पर बने रहें। नाथ सिंह का टाइम का बना हुआ है ये, योगीनाथ सिंह है उस टाइम, इतना जो है ये है, ये रामदेव राम संसद के टाइम का बना हुआ है, ये वाला ये रामदेव राम संसद का बना हुआ है अथी। और ये जितना भी है ये सब जो है श्री गिरनाथ सिंह का टाइम का है। और जो मंदिर का घिरावा हुआ है वो सत्येंद्र नाथ तिवारी के टाइम का है। ये मन और ये दोनों मंदिर जो है सत्येंद्र नाथ तिवारी अपने आप से बनवाए। ये जो छोटा सा गुंबज वाले जो मंदिर आप लोगों देख पा रहे हैं ये सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के माध्यम से बनाया हुआ है। एक हनुमान जी का है, एक देवी माई का। हाँ, एक मंदिर जो हनुमान जी का संकट मोचन जी का है और एक देवी माँ का मंदिर है। हेलो दोस्तों, जैसा कि रुपेश जी हमारे अच्छा एक सिंगर भी हैं जो कि गाते रहते हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि एक महादेव के बारे में। हाँ हाँ, तो आप दर्शक को एक छोटा सा भी एक अंतरा का भी कोई आलाप ले महादेव के। हाँ, आप जो इच्छा हो आप उन्हें सुनाए दर्शक। हे जगदाता विश्व विधाता कृपा करो महादेव, हे जगदाता विश्व विधाता कृपा करो महादेव, जग का हरता जग की सुनता मेरा भोले बाबा, हे करुणा कर कृपा करो महादेव, हे जगदाता विश्व विधाता कल्याण करो महादेव। देखिए, क्योंकि बिना साज के भैया रुपेश जी इतना अच्छा गाए, अगर साज होता तो और क्या होता, आप ही समझ सकते हैं। गला बहुत अच्छा है, बोलने का भी शैली बहुत तगड़ा है, जो कि बिंदास लेक्चर दिए जो कि भोलेनाथ के घर में आइल बहुत बात नहीं खे, जलवा चढ़ावल बहुत बात होला, देव घर में आइल बहुत बात नहीं खे, सिरवा झुकावल बहुत बात होला। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, आप इतना ही जान जाइए रुपेश जी से मिलकर। आप अगर जीते जी महादेव का नाम नहीं पकड़े, शिवालय नहीं गए, शिव का नाम अपने मुखों से नहीं लिया, फिर भी अगर जिस दिन आपकी अंतिम यात्रा होगी राम नाम सत्य है, कहाँ जाइएगा, शमशान जाइएगा ना, हम भी जाएंगे, आप भी जाइएगा। कल्याण कौन करेगा, महादेव भस्म लगाएगा। हाँ, सबके तो महादेव का सैल्यूट है रुपेश भाई को, क्योंकि आज पहली बार मिला हूँ, बहुत तो मौत के बाद तो गला लगा लेगा। जिंदगी में एक बार महादेव का शीश खाली तो झुका लो, एक बार शिवलोक मिलेगा, कोई स्वर्ग और कोई नरक नहीं, सब यही बात कर्म के अनुसार बनी हुई है, तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग कि ये वीडियो बहुत बड़ा भी हो जाएगा तो हमें कोई सिकवा गिला नहीं है और मैं अपलोड करूंगा। चाहता हूं महादेव से कभी मौका मिलेगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।